नमस्कार फ्रेंड्स, मैं प्रेमलता भूषण, मेरे चैनल में आपका स्वागत है। आज हम आम का अचार बनाएंगे। आम का अचार बनाना बहुत ही आसान है और हम पूरे साल के लिए बनाकर रखते हैं और खाने में बहुत अच्छा लगता है अचार। तो आइए हम बनाना शुरू करते हैं। उसकी सामग्री पहले देख लेते हैं। हमने आम लिया है, करीब हमने 50 आम लिया है। 50 आम को काट के इस तरीके से, पहले सबसे पहले हम आम को इस तरीके से काटते हैं, इसका ऊपर का भाग काट लेते हैं। तो फ्रेंड्स, मैंने 50 आम लिया है, इसको रात में इसको काट के पूरी रात के लिए और नाइट के लिए मैंने एक बाल्टी में, प्लास्टिक की बाल्टी में, और पानी बिल्कुल भिगो कर रख दिया है। इसके काट के रखने से इसका चोपी होता है, जो उसका गर्म होता है निकल जाता है। चोपी निकलना बहुत ज़रूरी होता है। पूरे साग लिए हम रखते हैं अचार, तो बहुत अच्छा बनता है अचार। तो मैंने इसी तरीके से काट के पूरी रात के लिए मैंने बाल्टी में डाला, पानी में भिगो के रख दिया। फिर उसके बाद सुबह हमने उसको छान के सुखा लिया पानी और काट लिया इस तरीके से। तो देखिए, हमने रात में भिगोने के बाद काट लिया है और बहुत अच्छा है। इस तरह आप अपनी पसंद से छोटी बड़ी साइज़ काट सकते हैं। तो हमने एक आम में चार भाग किया है और इसका पानी बिल्कुल सूखा हुआ है, काट लिया है आम को। उसके बाद हम इसको धूप में बिल्कुल नहीं सुखाए हैं और इसमें हम हल्दी और नमक लगा के रख देंगे पूरी रात के लिए। तो मैंने नमक लिया है, मैंने 4 चम्मच नमक डाली है, क्योंकि अचार में नमक ज़्यादा डालना चाहिए। और हम हल्दी लगा देंगे, 2 चम्मच मैंने हल्दी लगाई है। इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। स्टेप बाय स्टेप हम बताएंगे फ्रेंड्स, पूरी वीडियो आप देखिएगा तभी समझ में आएगा अचार का। और बहुत अच्छा बनता है, पूरे साल के लिए रखते हैं हम, तो 2-2, 3 दिन साल के लिए बना के रख लेते हैं अचार। मेरा चलता रहता है, बिल्कुल ख़राब नहीं होता है। ये हमने हल्दी और नमक लगा दिया है और इसको किसी प्लास्टिक या कांच के बर्तन में रख देंगे, पूरी रात के लिए ढक के रख देंगे। उसमें पानी छूटेगा, फिर कल सुबह हम आपको मसाला और बनाना बताएंगे कैसे हम बनाएंगे अचार। तो पूरी रात के लिए इसको हम रख देते हैं पहले हल्दी और नमक लगा के। तो देखिए फ्रेंड, अचार के आम को मैंने रख दिया था रात में नमक लगा के, नमक और हल्दी लगा के पूरी रात के लिए रखा। देखिए सुबह इस टाइम इतना अच्छा हो गया है, बिल्कुल सॉफ्ट सा हो गया है और इसका जितना पानी था छूट गया है। आप देख सकते हैं पानी, नीचे दिखाऊंगी मैं, ये देखिए आप, इसमें पानी है। इसको क्या करना है, हम इसको निकाल देंगे। इसको फैलाना है किसी कपड़े में, धूप में बिल्कुल नहीं फैलाना है, छाए में ही हम फैला देंगे। किसी कपड़े फैला के रख देंगे, थोड़ा सा पानी इसका सूखने देंगे और उसके बाद हम करीब 1 घंटे के लिए रख देंगे, पानी सूखने देंगे थोड़ा सा। और धूप में बिल्कुल नहीं फैलाना है फ्रेंड, चाय में ही फैलाएंगे। तो पहले हम इसको फैला देते हैं। तो देखिए फ्रेंड, मैंने चाय में फैला दिया है कपड़े में सभी अचार को। तो देखिए इस तरीके से फैलाना है आपको। 1 घंटे के लिए हम छोड़ देते हैं, थोड़ा पानी सूखने देंगे हवा में, क्योंकि धूप में मैंने नहीं डाला है, घर में छाए में मैंने डाला है। उसके बाद चलते हैं, मसाला हम तैयार करेंगे। तो आइए फ्रेंड्स, हम अचार का मसाला तैयार कर लेते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, मैंने सौंफ लिया है, सौंफ मैंने 100 ग्राम लिया है, जीरा है 50 ग्राम जीरा समझ लीजिए, 50 ग्राम जीरा है, 100 ग्राम सौंफ है, मेथी मैंने 2 चम्मच ली है। मेथी दाना बहुत कम अचार में यूज होता है, बहुत कसैला कड़वा होता है, थोड़ा कम डालते हैं। 2 चम्मच मंगरेल लिया है, 1 चम्मच मैंने अजवाइन लिया है और 2 चम्मच हल्दी लिया है। हल्दी पहले मैं डाल चुकी हूँ अचार में। तो मिर्च मैंने लिया है, लाल मिर्च है, देख सकते हैं खड़ी लाल मिर्च, और इसको हम भून के पीसेंगे मसाला। तो मिर्च आप अपने हिसाब से ले सकते हैं, आप कितना तीखा अचार पसंद है। और राई मैंने लिया है 4 चम्मच लिया है, थोड़ा सा मैंने गुड़ लिया है, हींग है तो हींग थोड़ा हम आवश्यकता के अनुसार डालेंगे अचार में, और नमक है, और लहसुन मैंने लिया है थोड़ा सा, देख सकते हैं छील के रख लिया है मैंने। अचार में कुछ लोग लहसुन डालते हैं, कुछ लोग नहीं डालते हैं फ्रेंड्स। अचार में लहसुन का फ्लेवर बहुत अच्छा लगता है, हम तो डालते हैं अचार में लहसुन, तो इसलिए हम आपको बता रहे हैं। जैसे हम बनाते हैं अचार उस तरीके से बताएंगे आपको। तो अब चलिए हम सभी मसालों को भून लेते हैं पहले। तो देखिए फ्रेंड, मैंने गैस पे तवा चढ़ा दिया है गरम होने के लिए, मसाले भून लेते हैं। पहले हम लाल मिर्च भून लेते हैं, हल्का सा भूनना है फ्रेंड्स, थोड़ी सी महक आने लगी है मिर्चे की, इसको हम निकाल देंगे, बहुत ज़्यादा नहीं भूनना है, इसको हम हटा देंगे। सभी मसाले एक साथ हम डाल के भून लेंगे फ्रेंड्स, सौंफ जीरा डाल के भून लेते हैं। गैस का फ्लेम बिल्कुल कम रखें, बहुत तेज़ ना हो, चलाते हुए भूनेंगे हम इस तरीके से। महक आने तक हम चलाएंगे, अच्छी खुशबू आने लगती है मसाले की। तो देखिए मसाले भून गए हैं और खुशबू आने लगी बहुत अच्छी सी, देखिए इसकी नमी ख़त्म हो गई है। और अब हम इसको भी निकाल देंगे। अब हम राई को भूनेंगे, हल्का सा भूनेंगे, ज़्यादा नहीं भूनना है। देखिए फिर थोड़ा सा हम धनिया भी डाल के भून लेते हैं मसाले में, मैंने 1 कटोरी धनिया ली है। तो देखिए चलाते हुए भून लेते हैं धनिया भी। तो देखिए फ्रेंड, धनिया भी भून गया है और अजवाइन को हल्का सा बस तवे पर रख देंगे, गर्म तवा है तो भून जाएगा अजवाइन और हींग को। तो देखिए फ्रेंड, मैंने हींग 1 बड़ी चम्मच से निकाली है
एक चम्मच हींग है जिसको भी डाल देते हैं भूनने के लिए हल्का सा। उसको प्लेट में निकाल लेते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, मैंने सभी मसाले भून लिए हैं अच्छे से, और अब हम एक ग्राइंडिंग जार लेंगे, इसमें डाल के सब पीस लेते हैं मसाले को। पहले हम सौंफ और धनिया पीस लेते हैं, उसके बाद फिर हम लाल मिर्च पीसेंगे। अब मसालों को पीस के फिर ले आते हैं, देखिए पीस लेते हैं मसाला। तो देखिए फ्रेंड, मैंने मसाला पीस लिया है, मसाला पीस लिया, बहुत बारीक नहीं किया है, थोड़ा दरदरा सा है, उसको हम निकालेंगे, प्लेट में निकाल लिया है मैंने। देखिए हम लाल मिर्च भी पीस लेते हैं, पीसेंगे पहले। तो देखिए फ्रेंड, मैंने लाल मिर्च भी पीस लिया है, बहुत बारीक नहीं किया है मैंने, मसाले में डाल देंगे हम। देखिए देखिए फ्रेंड, मैंने सभी मसाले पीस लिए हैं। आम भी हमारा पानी सूख गया है, आम का देख सकते हैं आप, आम का पानी सूख गया है। पीली राई और हम लहसुन दोनों पीस लेते हैं। देखिए फ्रेंड, मैंने पीली सरसों को दरदरा सा पीस लिया है, लहसुन भी मैंने दरदरा सा पीस लिया है, देखिए बिना पानी का पीसा है, बिल्कुल एक बूंद पानी नहीं होना चाहिए लहसुन में। तो देखिए फ्रेंड, मैंने कढ़ाई में तेल चढ़ा दिया है गर्म होने के लिए। मैंने सरसों का तेल लिया, मस्टर्ड ऑयल लिया है, और जब भी अचार बनाएं आप सरसों का तेल ही लें, यूज करें, और अचार बहुत अच्छा बनता है। तो हम गर्म होने देते हैं थोड़ा सा, उसके बाद फिर ठंडा करेंगे तेल, फिर हम अचार बनाएंगे, और ठंडा होने देंगे थोड़ी देर के लिए, तब तक हम मसाले को अचार में मिक्स कर लेंगे। अब हम बनाएंगे तो हम देखिए बिल्कुल हाथ बिल्कुल साफ़ हो, बिल्कुल पानी का यूज़ ना करें आप। हल्दी को मैंने हल्का सा ब्राउन भून लिया है तवे में डाल के। मसाले को पहले मिक्स कर लेते हैं अचार में, इस तरीके से डाल के सभी मसाले। अजवाइन को खड़ा रखा है मैंने, पीसा नहीं है, और हींग डाला है, हल्दी डाल देंगे, राई है जो सरसों हमने लिया है पीली उसको डाल देंगे, और नमक डाल देंगे। फ्रेंड्स, अचार में नमक ज़्यादा डालें, नमक डालने से अचार बिल्कुल ख़राब नहीं होता और बहुत अच्छा रहता है। देखिए पहले भी मैंने नमक यूज़ किया है, मैंने इतना ही डाला है, और नमक थोड़ा सा ज़्यादा डालें आप अचार जब भी बनाएं, तो नमक का यूज़ थोड़ा ज़्यादा करें। अगर आपको खट्टा मीठा पसंद हो फ्रेंड थोड़ा सा, तो आप गुड़ भी यूज़ करें, गुड़ डालने से अच्छा लगता है अचार। अगर आपके पास गन्ने का सिरका हो तो आप उसको ज़रूर डालें। और इसमें हम लहसुन डाल देंगे, इसमें डाल देंगे, तेल ठंडा होने देंगे, फिर इसमें तेल डालेंगे, सारे लहसुन वगैरह सब मिक्स हो जाएंगे। गुड़ भी डाल देते हैं हम, मैंने थोड़ा सा गुड़ लिया है, गुड़ से थोड़ा सा और ही अच्छा लगता है अचार। अगर आपको पसंद नहीं है गुड़ तो आप ना डालें। अपने सभी मसाले लहसुन मैंने मिक्स कर दिया है, और तेल डाल देते हैं, मिला देते हैं। तो देखिए मैंने तेल डाला है, इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे हम, हाथ से मिलाएंगे हम अच्छी तरीके से। देखिए फिर मैंने अचार में मसाले बहुत अच्छे से मिक्स कर दिया है तेल के साथ। मैंने एक जार ली है, आप देख सकते हैं कांच की जार है, और बिल्कुल उसको धो के मैंने जार को सुखा लिया है धूप में रख के। तो अब हम इसमें डालेंगे अचार, तो हम इस तरीके से डालते जाएंगे हाथ से। देखिए थोड़ा थोड़ा डाल देंगे पहले अचार को, और इसमें थोड़ा सा तेल हम और डालेंगे। और जो बचा हुआ अचार है हम थाली में जो रखे हुए हैं, इसको दूसरे जार में हम रख देंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, हमने अचार बना लिया है, बहुत अच्छा बना है अचार, बहुत अच्छी खुशबू आ रही है अचार की, और इसको हम पूरे एक साल के लिए रखते हैं, एक साल दो साल जितने भी जब चला सकते हैं आप चलाइए। और जब भी यूज़ करें तो बिल्कुल साफ़ चम्मच से यूज़ करें, और गीला चम्मच ना हो, और खाने के लिए आप हमेशा निकाल के किसी और भी कांच की शीशी में रख सकते हैं, रोज़ खाइए। और बड़ी शीशी को आप हमेशा बांध के रखिए कपड़े से, तो हम हमेशा इस तरीके से बांध के रखते हैं कपड़े से। कहेंगे देखिए हमने इस तरीके से कपड़ा लिया है, किसी भी कपड़े साफ कपड़े से आप इस तरीके से बांध दीजिएगा, और ढक्कन ना लगाइएगा। तो इस तरीके से हम रखेंगे तो हवा इसमें लगता रहेगा अचार में, अचार ख़राब नहीं होता है। और बीच बीच चेक करते रहिए आप, और ज़रूरत पड़े तो इसमें थोड़ा सा तेल और आप डाल सकते हैं, मैंने तेल बहुत कम डाला है। तो आप गर्म करके ठंडा करिए तेल, फिर उसके बाद अचार में डालिए। और अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आए फ्रेंड्स, तो लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। सब्सक्राइब करने से मेरी सारी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेंगी। तो शेयर करना ना भूलिए, कमेंट करिए, मिलेंगे नई रेसिपी के साथ। धन्यवाद।